हेलो फ्रेंड्स, मैं शीफा। वेलकम टू फूड स्टोरीज़। आज हम बनाएंगे मटर कबाब। ये एक स्टार्टर रेसिपी है और इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप फ्रेश मटर लिया है। हमें इसे मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा पीस लेना है। ये देखिए, मटर को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच सूजी, 3 चम्मच चावल का आटा, 2 हरी मिर्च जिसे चॉप कर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों पर तेल लगा लेंगे, छोटा सा पोर्शन लेंगे और टिक्की का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह ऐसे ही करके मैं बाकी सारे टिक्की बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे टिक्कीज बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा तेल लिया है। अब हम इसमें एक एक करके ये टिक्की डालेंगे। गैस को हमें मीडियम रखना है। एक साइड से हम इन टिक्कियों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर इसे पलट लेंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे टर्न करेंगे। दूसरे साइड से भी हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं, अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे प्लेट में सर्व करें। फ्रेंड्स, मटर कबाब खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।